नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला के आरोपों को बीजेपी ने किया खारिज। पार्टी महासचिव राम माधव ने पीडीपी के बागी विधायकों के साथ मिलकर सरकार बनाने की कोशिश से किया इनकार। कहा, अब्दुल्ला कर रहे हैं झूठी अफवाह फैलाने की कोशिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में किया चुनावी शंखनाद। जयपुर के प्रसिद्ध अमरूद बाग में वसुंधरा सरकार की जमकर की प्रशंसा। कांग्रेस पर किया करारा हमला, साथ ही 2100 करोड़ रुपए की 13 परियोजनाओं का किया शिलान्यास। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भूटान के प्रधानमंत्री एची डासो शेरिंग टोबगे से की मुलाकात। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। कहा, कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। टोबगे के 3 दिवसीय दौरे का आज था आखिरी दिन। दिल्ली में अधिकारों की लड़ाई में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम की मदद। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे पी चिदम्बरम दिल्ली सरकार को दे रहे हैं कानूनी सलाह। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के मुद्दे पर चुनावी हथियार बनाने में जुटे सांसद पप्पू यादव। तल्ख लहजे में केंद्र को दी चेतावनी। कहा, मांग नहीं मानी तो नहीं चलने देंगे संसद। सड़क हादसे में बाल बाल बचे वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा। रांची से हजारीबाग लौटते वक्त चरही घाटी में हुई दुर्घटना। सुरक्षा में तैनात एएसआई और अन्य सहयोगी हुए घायल। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता नवाम टुकी ने बीजेपी में शामिल होने संबंधी खबरों को किया खारिज। कहा, किसी भी राजनीतिक दल में नहीं हो रहा हूं शामिल। समलैंगिक संबंधों को अपराध करार देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 10 को करेगी सुनवाई। आईआईटी के करीब 20 पूर्व छात्रों ने भी आईपीसी की धारा 377 के खिलाफ दायर की है याचिका। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पर्यावरण संरक्षण के प्रति मुस्लिम समाज को करेगा जागरूक। हर घर रेहान अभियान के जरिए मंच के कार्यकर्ता हर मुस्लिम के घर जाकर रेहान यानी तुलसी के पौधे का करेंगे वितरण। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 8वां जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से रवाना। मौसम खराब होने की वजह से 2 दिन से रुकी हुई थी यात्रा। आज रवाना होने वाले जत्थे में हैं कुल 2203 श्रद्धालु। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पूरे किए 500 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। 90 टेस्ट, 318 एक दिवसीय और 92 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं धोनी। ट्विटर ने पिछले 2 महीने में 7 करोड़ अकाउंट हटाए। ट्विटर प्लेटफॉर्म पर गलत सूचना और दोषपूर्ण सामग्री देने वाले अकाउंट्स के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। रिलायंस जियो के गीगा फाइबर प्लांट को BSNL की नई योजना से मिलेगी टक्कर। उपभोक्ताओं को 30 दिन तक रोजाना 20 MBPS की स्पीड के साथ 20 GB डेटा मिलेगा।